गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फोर्थ, जिसका नेम है, क्या नेम है? वचन। जिसका क्या नेम है? वचन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वचन कहते हैं किसको है, वचन क्या होते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, वचन किसको कहते हैं? विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन किसको कहते हैं? विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के निम्न रूप से एक या उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन किसको कहते हैं? विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं? अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। क्या देखते हैं? वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पहला एकवचन। पहला एकवचन। और दूसरा प्रकार बहुवचन। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? बहुवचन। पहला प्रकार एकवचन, दूसरा बहुवचन। अब हम देखते हैं कि एकवचन किसको कहते हैं। एकवचन किसको कहते हैं? तो एकवचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, वह एकवचन होता है। किसका बोध होता है? एकवचन में किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक वस्तु का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? एक वस्तु का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एकवचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, थैला, कुत्ता, शेर, जिसमें एक वस्तु का बोध होता है, जैसे एक व्यक्ति का, एक स्थान का, एक वस्तु का बोध होता है, वहां क्या होता है? एक वचन होता है। जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक थैला, एक कुत्ता, एक शेर। अब हम देखते हैं बहुवचन। बहुवचन किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में किसका बोध होता है? बहुवचन में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संज्ञा का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, एक से अधिक लड़के, बहुत सारे लड़के, लड़के, लड़कियां, लड़के, लड़कियां, पुस्तके, पुस्तके, चिड़िया, चिड़िया,
ये क्या है? बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द है। बहुवचन में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, लड़कियां एक से अधिक लड़कियां, पुस्तके एक से अधिक पुस्तके, चिड़िया एक से अधिक चिड़िया, कपड़े एक से अधिक कपड़े। तो एक वचन में क्या होता है? एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है। एक वचन में एक वस्तु का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़की, थैला, कुत्ता, शेर। ये क्या है? एक वचन जिसमें एक वस्तु का बोध होता है। बहुवचन किसको कहते हैं? जिसमें एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, एक से अधिक संज्ञा का बोध होता है, एक से अधिक वस्तु का बोध होता है। जैसे लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, पुस्तके बहुत सारे पुस्तके, चिड़िया बहुत सारे चिड़िया, कपड़े बहुत सारे कपड़े। ओके, तो आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है कि एक वचन कौन सा होता है और बहुवचन कौन सा होता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए निम्नलिखित नियम है, उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या धातु वचन परिवर्तन का अभ्यास आप कर सकते हैं? हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? वचन परिवर्तन के नियम। तो पहला क्या है नियम? पहला नियम क्या है वचन परिवर्तन का? आकारांत, आकारांत, पुल्लिंग, पुल्लिंग, शब्दों के अंतिम स्वर, अंतिम स्वर, आके स्थान पर, ए लगा देने से एक वचन शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देने से एकवचन शब्द किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़का क्या है? एक वचन और लड़के बहुवचन। बच्चा, बच्चे, बच्चा क्या है? एक वचन और बच्चे बहुवचन। कपड़ा एक वचन और कपड़े बहुवचन। रुपया एक वचन, रुपये बहुवचन। पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन। बेटा एक वचन और बेटे बहुवचन। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको वचन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। वचन के प्रकार के बारे में पढ़ने, कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के बारे में अच्छे से पढ़ना है और इसका एक नियम पढ़ना है। क्या नियम पढ़ना है?
आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर क्या लगाना है? ए लगा देने से एक वचन का क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। आज आपको क्या करना है? आज आपको वचन, वचन के प्रकार और वचन का ये एक नियम को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू बच्चों।